टाटा कर दो आराम से। हमारे ड्राइवर साहब ओटीपी ले लिया था भैया आपने? ले लिया था। और यहाँ मैं आसमान की ऊंचाइयों में वो देख सच। अब मैं मेरे पापा ब्लॉग देखे, बोले कितनी खतरनाक सड़कें हैं यहाँ, तुम स्कूटी चला के लाए हो, क्योंकि जेन्युइन है भाई। ये देख रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हैं लोग, ये हरकतें मत करना बस। देखो ओले लगी भाई, हमारा पत्थरबाजी कॉम्पिटिशन है और पत्थर इकट्ठा हो गए, करीब जीत जाएगा। अरे भाई हिलता है, मैं नहीं जा रहा। क्यों भाई, मेरी फट रही। क्यों? खत्म होता रहा था, पता कुछ नहीं है। फाइनली 1.5 घंटे बाद बस चल पड़ी। मम्मी मैं ऋषिकेश पहुंच गया। तो पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया, हम ऋषिकेश पहुंच गए। अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। स्कूटी ले ली, तेल भरवाना पहले। मुझे टाटा कर दो। ये क्या है? टाटा कर दो आराम से। ओए मिलते हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे मिलते हैं। लिए हम आ गए हैं पेट्रोल पंप, और हमें अभी रियलाइज हुआ कि अरीब को नहीं पता कि ये दिल्ली नहीं है। आपने पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? देख स्कूटी भाई ऐसे चला रहे कि दिल्ली हो, लाइन तोड़ेगा, उसमें रह लूं तो सुधर जाओ। सुन लो मेरी बात भाई, पीछे कर रहा है वो। ले भाई पीछे ले लो, ये डल लो, ये देख करो भाई, कर लेने दो इन्हें, कर लेने दो। हम आपको मिलते हैं अगले स्टॉप पे, ठीक है? तेल भरवा ले, फिर चलते सीधा वाटरफॉल। कोई सा मेरे को नाम नहीं पता, कुछ तो बढ़िया सा वाटरफॉल है, वहाँ देखते हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब ओटीपी ले लिया था भैया आपने? ले लिया था। उतरना पड़ेगा। चलो भाई मिलता हूँ मैं आपसे वाटरफॉल पे। तेल वेल डलवा लिया, तूफान में बढ़ रहा है पेट्रोल। आप जा रहे हैं नीलगढ़ की तरफ। शूट मिश्रा करेगा, पीछे बैठा मैप बताएगा, तो आपको कोशिश करेंगे। बाकी स्टे हियर, देखते हैं क्या सीन है, ठीक है? वो आराम से गाड़ी चला ले भाई, मेरी और यहाँ मैं आसमान की ऊंचाइयों में दिल गार्डन हो रहा है। वो देख सच खोल के निकाल भाई। देखो इसे, देखो यहाँ रेता, देख के यहाँ रेता पे देख के भाई, रेता पे स्कूटी फिसल जाती है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? आसपास का व्यू दिखा दे भाइयों को। भाई देखो आसपास का व्यू, ये देखो भाई, माहौल देखो क्या सेट हो रहा है। माहौल देखो तुम, आगे सब छोड़ो। ये देखो, ये देखा तुमने ना भाई? ना, हमने ना देखा। ट्रेन भी चलती है, आराम से चला भाई, आराम चल रही है। वो है व्यू, देखो वो रहा व्यू है, देखो आप आ रहे हो, लेकिन सेफ चलाना, ठीक है? वैसे तो 40 की लिमिट लगी है स्कूटी में, 40 से ऊपर जाएगी नहीं, बट ढलान में अपने आप तेज हो जाती है। अरे भाई अब मैं मेरे पापा ब्लॉग देखे, बोले कितनी खतरनाक सड़कें हैं यहाँ, तुम स्कूटी चला के लाए हो, क्योंकि जेन्युइन है भाई। मुझे लगा था नहीं होंगी, बट है सब खतरनाक सड़कें, तो मतलब हाँ ठीक है, नॉर्मल है, बट स्टिल भाई थोड़ा इधर उधर होगा ना, मतलब अनट्रेंड बंदा है तो ना ही चलाए स्कूटी यहाँ पर। दिखा दे। देखो ये देखो, खाई सी है नीचे, खाई सी है, ये थोड़ा अनसेफ है। बट अगर आपके पास ट्रेन ड्राइवर है जैसे हमारे कपिल भैया, इनका काम था रैपिडो में चलाते थे स्कूटी। कहाँ जाना है तेरे को? बगल मंदिर पे 200 रुपये लागेंगे, तो बस ऐसे बंदे हो तो ठीक है, वरना मेरे हिसाब से तो मत ही लो स्कूटी भाई। अपना वो करो, कैब वैब करो और आ जाओ, ठीक है? गाइस हम फाइनली आ गए हैं यहाँ पर। अब पार्किंग हो रही है। खाओ माँ कसम भाई, मैं बना रहा हूँ, मेरी ब्लॉग है, तू कौन है भाई? धक्का दे दूंगा तो नीचे चले जाओ। तो गाइस अब स्कूटी हो रही है पार्क। स्टूडेंट आईडी का डिस्काउंट मिलता है, हमको मिल गया है, हम 5th ईयर लॉ स्टूडेंट। तो भाई ले गए हम, अब स्कूटी हो रही है पार्क, और अब सीधा निकलेंगे हम, पहुंचेंगे वहाँ। थोड़ी वॉकिंग है यहाँ से मेरे ख्याल से, तो उसके बाद चलते हैं वाटरफॉल पे। आई एम अंडर द वाटर। अपने को 30-30 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, स्टूडेंट को अलग मिलती है और अडल्ट को अलग मिलती है। शर्ट ले ली है तेरी यार, पैंट गंदी कर रहा है। अबे चलना साफ भाई, पैंट ही तो है। सुन मारा जाएगा, ऐसे रख बस। अबे मेरे भाई ऐसे नहीं रखा जाता, मैं पूरी पैंट टिका के बैठूंगा भाई। गंदी हो रही जींस ही तो है, साफ हो जाएगी रख दूंगा साफ। तो गाइस हमने टिकट ले ली है। पैंट की माँ की आँख कर रहा है, गंदी कर रहा है और कुछ नहीं है। सह लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा स्लो चलाना भाई, लोग आ रहे पीछे जाएगा। स्लो चला, थोड़ी लोग आ रहे हैं भाई। अरे चला रहा है भाई, अरे ये तेज चला रहे हैं गाड़ी वाले। स्लो चलाओ, लोग आ रहे हैं। ऐसे मत करो यार, घर वाले देखते हैं, उनको लगता है कितना अनसेफ है। ऑल्दो है बट ठीक है, चलता है इतना। मजा आ रहा है बेटा भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मजा तो छोड़ दे। रास्ते थोड़े से कच्चे कच्चे डालने भाई। अबे नहीं, हम तीन बच्चे और इस छठी क्लास के खलनायक बच्चे को ऊपर की तरफ ट्रैकिंग चल रही। ट्रैकिंग तो कोई खास ऐसी कोई ट्रैकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है ट्रैकिंग ऐसे। ट्रैकिंग तो ओके, एक स्पॉट आपको दिखा दिया, बाकी स्पॉट ऊपर जाके चल। ये हो रहा है ट्रैक भाई। वकील आता है यहाँ पर, आया नहीं, क्या बोले उसे। हार्दिक है हमारा दोस्त, उसको हम वकील बोलते हैं। ठीक है। यहाँ बैठा पानी में जाएगा ये फोटो के लिए। अपनी बाय द वे ये फोटो खींच रहा है। अपनी मैगी आ गई अपनी, सबसे ऊपर आए हम लोग। भैया ने मैगी बना दी, 50 रुपए की मैगी। पानी और पानी, ये तो मर्दानी पता नहीं क्या है। जो डर गया समझो मर गया। कोई नहीं, पहन ले भाई। चिटकबरी कलर पहन के आया तो साइन मार रहा है। मम्मी ने बनाया गरम एकदम, मम्मी ने बनाया ये तो गरम होगा भाई। हम जा रहे हैं अभी अगली लोकेशन। क्या थी अभी ये लोकेशन? कौन सी थी? नीरगढ़ वाटरफॉल। अब जाएंगे हम शेखपुरी, उसके आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। ये फंस गया, अच्छा फंस गया। अरे छोटे कपड़े पहन रहे थे तेरा पूरा मार ही रहा है। ये देख रहे हो भाई, क्या कर रहे हैं लोग। ये हरकतें मत करना बस। देखो ओले लगी भाई, यहाँ गिर गई। हम लोग इधर आ गए शिवपुरी। बहुत मस्त ड्राइव करके, कम से कम 25 मिनट की ड्राइव करके। ड्राइव नहीं, राइडिंग बोल लीजिए, राइड करके क्या मज़ा आता है स्कूटी राइड करने में। जो बात है फुल बिल्कुल स्टार्ट वाला मामला चल रहा है। सही बाइक मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाइक लेंगे, बुलेट लेंगे, बुलेट नेक्स्ट टाइम। क्या अगला आपको व्यू दिखाते हैं अच्छे से। पत्थरबाजी का कॉम्पिटिशन हो रहा है। अरे इधर आप फ्रेम में आएगा ओए, गरीब जी। हां तो भाई हमारा पत्थरबाजी का कॉम्पिटिशन है और पत्थर इकट्ठा हो गए। गरीब जीत जाएगा। मेरे भी दो, मुझे भी दो। खुद उठा के लाओ, हम खा लें। अरे भाई एक ही बात है। A few moments later. हो गया। देख के पत्थर को वहां रख दिया यार मैंने। तीन गए बढ़िया। अरे भाई को कौन लगा सकता है पत्थरबाजी? अरे जो बात है इधर दिए कैच कर। मेरा जान नहीं था बे। ऐसे मारना, ऐसे पूरा नहीं जाएगा, ऐसे स्पीड जितनी जान ले रहा हूं। अबे तू क्या बम दिखा रहा अपना? देखा गया ना सही। ला पत्थर दे मेरे को। दो है देख ले, दो है। दो लेफ्ट से भाई, दो आ जाते सर पे लगेगी। हक दिया भाई, पत्थर भी अच्छा था यार, चला गया। दो एक बढ़िया बात पत्थर की थी, बात तो बहुत तकनीकी। अबे ये ऐसे वाले ना, देखिए देखिए हमारे ये पतले वाले। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। हट जा मेरे सर पे मत मार। घर वाले देखेंगे सीरियस गए, पत्थर मारने गए, पत्थर मारने गए। अभी हमारा नेक्स्ट लोकेशन बताते हैं, इसी में बता देते हैं। नेक्स्ट लोकेशन बताइए, पहले खाना खाएंगे और लंच करेंगे। लंच नहीं किया हम लोगों ने, आपको लंच दिखाते हैं। A few moments later. हम लोग बर्गर किंग, जिसे ऑस्ट्रेलिया में हंगरी जैक्स बोलते हैं, बर्गर खाएंगे। हम सोचे थे पहले नान टाइप लंच करें, बट हमने थोड़ा डिसीजन चेंज कर लिया। अब हम बर्गर खाएंगे। बर्गर वेजी बर्गर, 3 टाको, 2 मिड फ्राइज, मीडियम फ्राइज पर हाँ 470 और कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे। हाँ कोल्ड ड्रिंक हेड 2-3 आदमी का हो जाएगा इसमें। जरा लो कैंप, 3 बर्गर 3 टाको है तो अबे हो जाएगा यार। ले और ले लियो ना कुछ, मैं तो और खाऊं। हाँ तो लोग सिंपल है, क्या कह रहा था बोल भाई। ये शेक ले लेंगे, 3 शेक नहीं बेकार लगता है। 1 शेक ले लो, 2 कोक ले लो या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड कॉफ़ी ले लो। तो 1 मिनट रुकना, खोपड़ी तोड़। लौंडों का सिंपल है, जिन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं। बात खत्म, मिलते हैं बाद में। तो अपना प्लान हो गया, बर्गर किंग भी खाना खा लिया। नेक्स्ट कहाँ जाना है? त्रिवेणी घाट की वहाँ आरती होती है। आई होप हम टाइम से पहुँच जाए। 5 बज रहे हैं, 6 बजे तक होगी, 7 के बीच होगी। अंधेरे के टाइम होती है, सनसेट के टाइम पे। नेक्स्ट टाइम सारी बाइक बनाएंगे। और ये मिश्रा आ रहा है, हाथ धोने गया बर्गर किंग पे। ये बाहर बर्गर किंग इधर से अच्छी जगह है, मस्त है। वो तुझे डर लगा चलाने में? डर लगा, सही है ना? तो आता रहता है क्या? ये तो ऐसा बना रहा है, चला रहा है ऐसे। अपने दिल्ली में चला रहा हूँ, ले तेरी राइट लेफ्ट राइट, आराम चलाया कर। अच्छा हमको सिखा दिया है, अच्छा है। चलो भाई दिखाते हैं आपको त्रिवेणी घाट। हम लोग आ गए त्रिवेणी घाट नाम है ना, सही गलत ना बोल दो ना, त्रिवेणी घाट। हाँ बस सामने। और फिर हम यहाँ से देखते हैं, शूट वूट करते हैं। वीडियो लेनी है? हाँ एक ही ले ले, लॉग ऑन करना। श्रुति कैसा लगा भाई? अरे भाई कैसा लगा? तीसरा भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भाई बहुत अच्छी भाई। और हमारा इतना अच्छा ट्रिप हुआ है अभी तक, हम जहाँ जा रहे हैं हमें एकदम सही रिलीजियस ट्रिप हुआ। हाँ नहीं रिलीजियस नहीं, वैसे भी चीज़ें सही मिल रही है, ना भीड़ मिलती ना कुछ, जगह पे आगे मिल जाते हैं आरती, सब कुछ सब चीज़ें हो जाती है कुछ। निशा जूते लाने चाहिए थे यार, जरूरत नहीं है ऐसे बना रहा हूँ। बेटा कुछ भी नहीं है, मैं बस उनसे पूछता हूँ अभी। दूध की बात और कर ले यार भाई, इनसाइड हो गया गाइस, आपको समझ नहीं आया गाइस, क्या हो गया यार? चीज है यार, अब कहाँ जाना है? हमारे पास टाइम बचा है 3 घंटे 4 घंटे, 1 घंटा जाने के लिए निकाल के 4 घंटे। ओके 4 घंटे हमारे पास, उसके बाद होता कुछ नहीं, पहले वो देखते हैं, उसके बाद देखते चाय खाना होटल मगर स्टे है दिखाते हैं। हम लोग लक्ष्मण झूला आ गए मार्केट के पास थोड़ा, और क्या क्या दिखाते हैं भाई, हिलता है। मैं नहीं जा रहा। क्यों भाई? मेरी फटरी। क्यों? कुछ नहीं हो रहा। जय श्री राम। मैं एक बार और आया हूँ बचपन में, इतना सता में तो अब भी इतना सही है भाई। भाई तो ऐसा हो रहा है जाली टाप जाऊँ। तैरना होता हो ना भाई, जरूर कूदूंगा एक दिन। ओ वहाँ हो रही थी ना वो, हिला हुआ हिला हिलता है ऐसे ऐसे। मत करो यार। भाई लक्ष्मण झूला भाई, और क्या मजा आ रहा है। तू डर क्यों रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी आगे भाई, क्या ही मस्त मजा आ रहा है। जमीन हिल रही है ऐसे ऐसे, और क्या ही थोड़ी आधी लाइटें बंद है, आधी लाइटें चालू है, बट इट्स गुड प्लेस। डर लग रहा तुझे भाई? मेरी तो यार तो चल जमीन है तो क्या ही होगा, गिरेंगे तो गिरेंगे। फिर भी भाई क्या, अरे गंगा गंगा माँ में वापस जाना है यहाँ पर भाई, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। चक्कर मारेंगे और क्या। यहाँ स्कूटी कौन लाता है बे? ले आते हैं लोग। तूने वो मूवी नहीं देखी? मूवी में नहीं देखा तुमने? कितने लोग लाते हैं स्कूटी वूटी लाते हैं मूवी में। देख भाई देखो बात ऐसी है, चाय ये एक हाथ में चाय इसके उस हाथ में नहीं है, वो चाय नहीं पीता। दिखाते हैं आपको कहा जाएगा। भाई अभी हम बैठे हैं गंगा किनारे, गंगा किनारे बोलेंगे ना। अभी ये मिश्रा गिरा रही और ये हमारी गंगा जी। हम गंगा किनारे बैठे हैं थोड़ा टाइम, क्योंकि हमारे बस में है अभी टाइम। अरे चढ़ा दिया भैया, चढ़ा हो गया भैया, चढ़ा चुका। हमें खाना खाना है, खाना खाते हैं, पहले जाते हैं स्कूटी को डिपॉजिट करते हैं होटल पर, खाना खाएँगे फिर वापसी होटल जाके, क्योंकि पास में ही है, और देखेंगे खाने के लिए क्या मिलता है। फिर ऑटो लेके बस स्टेशन, बस स्टैंड जो भी है, वहाँ से बस फिर घर। अब थोड़ा थोड़ा कम 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 रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा व्लॉग हो चुका है। लेट दिख रहा है हमें, मुँह पे जाएगा। अब मैं कस्टमर केयर से पहली बात कर रहे हैं कि भाई कोई चीज़ कोई भी लेट तो नहीं है, कोई भी फ्लाइट फ्लाइट बोलो सॉरी, कोई बस लेट तो नहीं है, फ्लाइट। भाई अपना हो गया बढ़िया मामला, देसी ढाबा पे खाना पीना हो गया, स्कूटी वापसी कर दी हमने। वो कह रहे जेन्युइन हराम दिया, प्योर हराम दिया। अब जा रहे हैं दूध जलेबी खाने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम पर क्या हूं मैं। अरे भाई अब जा रहे हैं दूध जलेबी, दूध जलेबी आराम से गाड़ी आ रही है। तो अभी शायद ये ब्लॉग काफी लंबा हो गया होगा। कैसा लग रहा है, कैसा लगा तुम्हें एक दिन का, एक डेढ़ दिन का? एक दिन के हिसाब से जेन्युइन ट्रिप था। स्कूटी लेके अच्छे हमने ऐसे भगाई है ये वो, कहाँ भगाई मतलब निकाली है, चलाई एकदम सुकून से, लिए बिल्कुल मतलब अपने पेस पे, अपनी पेस। बस एक चीज और है, जहाँ बैठने का बन गया वहाँ बैठे, जहाँ नहाने का नहाना नहीं, पैर डुबाने का बन गया वहाँ डुबाया, और जहाँ जहाँ गए वो सारी चीज एडवेंचरस हुई और हमारे फेवर में बहुत सी चीजें। पत्थर फेंकने का मन करा नदी में, वहाँ पत्थर फेंके भाई, कॉम्पिटिशन ये जीता। हाँ और बात अच्छा सुनो सुनो, बस एक चीज भगवान जी से दुआ करते हैं कि हमारी जो बस है वो टाइम पे आए, क्योंकि आते हुए बहुत दिक्कत थी। कल सुबह ऑफिस जाना है ना, हम अभी निकलेंगे बस के लिए। बाकी हम जाते हैं, आपको दिखाते हैं जलेबी बस। अरे सुन जा, अब भाई बात ऐसी है, हम जा रहे हैं ऑटो ढूंढने, ऑटो लेके जाना है बस स्टैंड, और हमको कट कट करके दिखाएंगे। अब पहले ऑटो ढूंढते हैं जो कहाँ है नेपाली फार्म तक पहुँचाया है, वहाँ हमारी बस आएगी। हमारे पास है 40 मिनट बस में बैठने का, अनटिल अनलेस द बस इज डिलेड, सो लेट्स सी। तो गाइस देखिए अभी हम दरअसल हुआ क्या था, वहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में हम लोग, बस जब आई तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो इस वजह से वहाँ पर वीडियो बना नहीं पाए, हम रिकॉर्ड कर नहीं पाए। बट बात ही ले ले, बात ही ले ले। बात यह है कि अभी काफ़ी ठंड का माहौल है और हम वापस आ रहे हैं, और बीच में एक स्टॉप लिया है हमारे बस ने, बस में बैठ गए थे। बस में काफ़ी वो था, भीड़ थी, तो हमने सोचा वीडियो ऑन करना इज़ नॉट सेफ, मतलब उनको कंफर्टेबल ना हो लोग आसपास, तो हमने नहीं करा। तो अब यहाँ पर आ गए हैं हम, अभी एक स्टॉप है, कुछ खा रहे हैं छोटा मोटा, और इसके बाद सीधा दिल्ली मिलते हैं आपको। वहाँ पर दिल्ली में हम सीधे बस एंड करेंगे ब्लॉग। हाँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एंटरटेनमेंट था, कुछ था, मतलब एक दिन का अगर ट्रिप है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था मेरे अकॉर्डिंग। भाई पता नहीं भाई जो बोले कैश भाई जो बोले इनकी श्रद्धा। चलो गाइस मिलते हैं दिल्ली में, बाय बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुँच गए, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं, 5 बज रहे हैं सुबह के, गाड़ी आ रही है, इनको घर तक ले जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि 30 मिनट ज़्यादा बात करने की। यस सोना है सबको, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।